वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अप्रतिम लर्निंग। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी। इसमें सबसे पहले नाम मैं लूंगा अमरचंद बाठिया। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ा हम डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं। अमरचंद बाठिया राजस्थान में इन्हें प्रथम शहीद की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में जो व्यक्ति सबसे पहले शहीद हुआ था वह था अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया जो है यह बीकानेर के रहने वाले थे, कहाँ के? बीकानेर के। और इनका जन्म 1799 ईस्वी में हुआ था। तो 1857 की क्रांति के दौरान ये लगभग 60 वर्ष के थे, 58 वर्ष के आसपास। तो अब चूंकि ये अधेड़ उम्र से ज़्यादा हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, इसलिए ये शारीरिक रूप से लड़ाई नहीं कर सकते थे या स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं ले सकते थे। लेकिन यह अत्यधिक धनी होने के कारण इनके पास बहुत अधिक पैसा था, तो इन्होंने क्या किया, जो झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें आप सब लोग जानते हैं अच्छे से, कई बार नाम भी सुना है, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, जिन्होंने राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुत बड़ा योगदान दिया है, इन दोनों की आर्थिक रूप से मदद की। तो किसकी मदद की थी अमरचंद बाठिया के द्वारा? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनका बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका। और दूसरे व्यक्ति थे तात्या टोपे। ये दोनों ही भारत में जो 1857 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति के दौरान इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो अमरचंद बाठिया जो है, इनका जन्म बीकानेर में हुआ था 1799 ईस्वी में। जब 1857 की क्रांति हुई तो यह वृद्ध थे, इस कारण इन्होंने शारीरिक रूप से इसमें भाग नहीं लिया, लेकिन आर्थिक रूप से सहायता की इन दोनों की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, ताकि ये लोग जो आवश्यक युद्ध सामग्री है, जैसे गोला बारूद है, तलवारें आदि, खरीद सके और अंग्रेजों का अच्छे से सामना कर सके। तो आर्थिक रूप से मदद की थी अमरचंद बाठिया के द्वारा, आर्थिक रूप से मदद, किनकी की गई मदद? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। तो ये जो अमरचंद बाठिया है, ये अंग्रेजों की आंख में खटकने लगे, तो इनको ग्वालियर नामक स्थान पर, कहां पर दोस्तों? ग्वालियर, जो कि कहां स्थित है? मध्य प्रदेश। ग्वालियर जो है सिंधियाओं का गढ़ था, सिंधिया है, जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया, जो हमारे राजस्थान की मुख्यमंत्री है, तो सिंधिया है, मराठा जाति के लोग थे। तो ये ग्वालियर जो है सिंधिया के राजाओं का गढ़ था, मध्य प्रदेश। तो इस ग्वालियर में अमरचंद बाठिया को एक पेड़ के नीचे फांसी दे दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, जहां पर आज उस पेड़ के नीचे अमरचंद बाठिया की एक तस्वीर बनाई हुई है, वहां पर एक स्मारक बना हुआ है। तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनको फांसी दी गई थी अमरचंद बाठिया को। जन्म इनका बीकानेर में हुआ था और इन्होंने आर्थिक रूप से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की मदद की थी। चूंकि इन्होंने आर्थिक रूप से मदद की थी, इसलिए इतिहास में भामाशाह कहलाए। क्या कहलाए दोस्तों? भामाशाह। लेकिन कौन से भामाशाह? द्वितीय। अब ये द्वितीय भामाशाह क्यों कहा इनको? क्योंकि प्रथम जो भामाशाह है वह थे महाराणा प्रताप की मदद करने वाले या उनकी आर्थिक रूप से सहायता करने वाले भामाशाह। तो महाराणा प्रताप की, जब उन्हें महलों से दूर जाकर रहना पड़ा था, उनका अकबर के साथ जब युद्ध हुआ था, तो उस समय आर्थिक रूप से सहायता करने वाले कौन थे? भामाशाह। तो उन्हें प्रथम भामाशाह के रूप में याद किया जाता है। लेकिन अमरचंद बाठिया जो है राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद, उनको भामाशाह द्वितीय रूप में जाना जाता है। तो अब ये तो राजस्थान की बात हो गई कि राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें प्रथम शहीद कौन थे? अमरचंद बाठिया। तो अगर क्वेश्चन ये आपसे पूछ ले कि भारत में 1857 की क्रांति के दौरान सबसे पहला शहीद व्यक्ति कौन था, तो उसका नाम क्या था दोस्तों? मंगल पांडे जो है वो बैरकपुर छावनी के थे। किस छावनी के? बैरकपुर छावनी। और इनको 8 अप्रैल 1857 को
फांसी की सजा दी गई थी ये बैरकपुर छावनी के, किस छावनी के, बैरकपुर छावनी के। तो राजस्थान के शहीद कौन से हो गए, अमरचंद बाठिया। इस प्रकार अमरचंद बाठिया के बारे में जो कुछ भी जानकारी दी वो हमने पढ़ ली। अब हम बात करते हैं राजस्थान के दूसरे क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी के बारे में। अर्जुन लाल सेठी को राजस्थान में जन जागृति का अग्रदूत माना जाता है। किसका दोस्तों, जन जागृति का अग्रदूत, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति का संचार हुआ स्वतंत्रता क्रांति के दौरान। जन जागृति के अग्रदूत कौन है, अर्जुन लाल सेठी, या इनको जन जागृति का जनक भी माना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, जयपुर में। जयपुर में सेठी जी का जन्म हुआ था और जयपुर राजस्थान की राजधानी। यहीं से मैंने आपको प्रजामंडल के बारे में भी बताया था कि प्रजामंडल की शुरुआत भी राजस्थान की राजधानी जयपुर से हुई थी, जयपुर प्रजामंडल में। और अब जब स्वतंत्रता सेनानियों की बात हो रही है तो उनमें भी सबसे पहले ये जो अर्जुन लाल सेठी जी है, इन्हीं को ही राजस्थान में जन जागृति का अग्रदूत माना जाता है और जयपुर के ये रहने वाले थे। इनका जन्म 9 सितंबर 1880 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म, 9 सितंबर 1880 ईस्वी को। और इनके द्वारा बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की गई और ये बीए डिग्री धारक थे। चूँकि ये पढ़े लिखे थे इस वजह से हमें पता है कि जो भी समाज में जन जागृति लाने का काम करता है वो पढ़ा लिखे व्यक्ति करता है। ये पढ़े लिखे थे तो इनको जो चोमू है, जयपुर के निकट चोमू नामक स्थान पर, वहाँ के ठाकुर ने इनको चोमू में जिलाधीश की नौकरी प्रदान की थी। कहाँ पर, चोमू में जिलाधीश की नौकरी, कब, 1902 ईस्वी में। चोमू कहाँ है, जयपुर के पास 35 किलोमीटर दूरी पर। तो जिलाधीश की नौकरी इनको 1902 में दी, लेकिन कुछ वर्ष बाद इन्होंने जिलाधीश की नौकरी यह कहते हुए छोड़ दी कि अगर अर्जुन लाल, यदि अर्जुन लाल राज्य की चाकरी करेगा तो इस भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से कौन बचाएगा। तो ये वक्तव्य किसके द्वारा कहा गया था, अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। तो इसको याद रखना है कि यदि अर्जुन लाल राज्य की चाकरी करेगा तो अंग्रेजों को गुलामी से कौन बचाएगा। अब हम बात करते हैं अर्जुन लाल सेठी की जो घटना है उनके बारे में वन बाई वन करते हुए। 1905 ईस्वी में, कब, 1905 ईस्वी में इनके द्वारा जयपुर में एक समिति की स्थापना की गई जिसका नाम था जैन शिक्षा, जैन शिक्षा प्रचारक समिति। कब की गई थी इसकी स्थापना, 1905 ईस्वी में। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि जैन शिक्षा प्रचारक समिति के संस्थापक कौन थे, अर्जुन लाल सेठी। इनके द्वारा इसकी स्थापना कब की गई थी, 1905 ईस्वी में। उसके बाद 1907 ईस्वी में इनके द्वारा, और ये कहाँ स्थापित की गई थी, जयपुर में। तो 1907 ईस्वी में इनके द्वारा एक और संस्था स्थापित की गई थी अजमेर में जिसका नाम था जैन शिक्षा सोसाइटी। क्या नाम था दोस्तों, जैन शिक्षा सोसाइटी। और यह कहाँ स्थापित की गई थी, अजमेर में। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, इनके बारे में एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा चुका है। तो इस बार आपको ये याद रखना है कि जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा, अर्जुन लाल सेठी के द्वारा, कहाँ पर की गई थी, अजमेर में। एक और बात है, 1908 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में जो ये जैन शिक्षा सोसाइटी है इसका नाम बदलकर जैन वर्धमान विद्यालय रख दिया गया। क्या रख दिया गया, जैन वर्धमान विद्यालय। और अब जो ये अजमेर में स्थापित की गई थी इसके स्थान पर पुनः इसको जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ पर, जयपुर में। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, क्यों, क्योंकि ये जो जैन वर्धमान विद्यालय, इसके नाम से ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित शिक्षाएं जो है अर्जुन लाल सेठी द्वारा दी जाती थी, क्योंकि अर्जुन लाल सेठी जैन धर्म से संबंधित थे, जैन परिवार से बिलोंग करते थे और जयपुर के रहने वाले थे। तो अंग्रेजों को इन्होंने जैन वर्धमान विद्यालय नाम इसलिए रखा ताकि अंग्रेज उस समय जो अधिकारी थे उनको ये लगे कि इसमें जैन धर्म से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन वास्तव में जो जैन वर्धमान विद्यालय वह राजस्थान में क्रांतिकारियों का गढ़ था, वहाँ पर क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित करने का काम किया जाता था। तो जैन वर्धमान विद्यालय कहाँ स्थित है, जयपुर में, और इसकी स्थापना 1908 ईस्वी में अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी। अब इस जैन वर्धमान विद्यालय में कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी प्रशिक्षित हुए और उन्होंने क्या क्या काम किए और अर्जुन लाल सेठी से इनका क्या संबंध है, उनके बारे में हम वन बाई वन करके देखते हैं। तो ये तीन बातें क्लियर हो गई, अब आगे बात करते हैं।
इस जैन वर्धमान विद्यालय को क्रांतिकारियों का गढ़ कहा जाता है और ये जयपुर में स्थित था। कहां पर दोस्तों? जयपुर में। और इसकी स्थापना अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी। राजस्थान के स्वतंत्रता इतिहास में प्रसिद्ध मोतीचंद एवं माणकचंद, ये दो नाम है, मोतीचंद और माणकचंद, ये इसी जैन वर्धमान विद्यालय जिसकी स्थापना अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी उसी के छात्र थे, वहां पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। दूसरे दो और नाम आते हैं, जोरावर सिंह बारट एवं प्रताप सिंह बारट। ये भी स्वतंत्रता सेनानी इतिहास में प्रसिद्ध हुए। 1912 में जो लॉर्ड हार्डिंग बम कांड हुआ था उससे ये संबंधित थे दोनों। तो ये भी इसी जैन वर्धमान विद्यालय से प्रशिक्षित हुए थे और इन्होंने यहाँ पर बम बनाना, ये जो जोरावर सिंह है इन्होंने बम बनाना इसी वर्धमान विद्यालय में सीखा था और इसकी स्थापना अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी। एक और नाम आता है विष्णु दत्त। विष्णु दत्त एक प्रकार से जैन वर्धमान विद्यालय के प्रिंसिपल थे। सबसे ऊपर अर्जुन लाल सेठी, उनके नीचे विष्णु दत्त, और इन्हीं के माध्यम से जो अन्य क्रांतिकारी उनको शिक्षा दी जाती थी और अन्य स्थानों पर क्रांति के लिए धन इकट्ठा करने के लिए भेजा जाता। अब इनका संबंध दो तीन बातों से, पहली बात आरा हत्याकांड या जिसको निमाज हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, निमाज हत्याकांड। अब ये हत्याकांड का है इसके बारे में आपको पहले बता देता हूं। तो बिहार में एक आरा नामक स्थान है जिसको निमाज भी कहा जाता है। इस निमाज नामक स्थान पर अर्जुन लाल सेठी द्वारा एक 4 सदस्यों का दल भेजा गया, क्योंकि वहां पर एक महंत धनी साधु रहता था जिसका नाम था संत भगवान दास। तो इस भगवान दास को लूटने के लिए 4 सदस्यों का एक दल भेजा गया। उस 4 सदस्यों के दल में मोतीचंद, माणकचंद, विष्णु दत्त और जोरावर सिंह बारट, ये 4 लोग शामिल थे। इन 4 लोगों का जो दल है वहां पर आरा निमाज नामक स्थान पर भेजा गया। और ये घटना कब घटित हुई थी? 20 मार्च 1913 ईस्वी को इस दिन ये चारों का समूह वहां पर पहुंचा और लूटने के प्रयास में इस महंत भगवान दास, क्या नाम था महंत का? महंत भगवान दास। तो इस महंत भगवान दास की वहां पर छीना झपटी में मृत्यु हो गई और इसका एक सेवक था साथ में, वह भी मारा गया। तो अंग्रेजों के द्वारा इनके ऊपर एक दोष या मुकदमा दर्ज किया गया। इस मुकदमे में जो विष्णु दत्त है, विष्णु दत्त को आजीवन कारावास की सजा दी गई, आजीवन कारावास। और जो मोतीचंद है इनको तुरंत ही वहां पर फांसी दे दी गई, इनको फांसी की सजा सुनाई गई। और जो जोरावर सिंह बारट है यह अंग्रेजों के हाथ नहीं लग पाए और भागकर कोटा बूंदी के जंगलों में जाकर छुप गए और एक साधु के वेश में वहां पे रहने लगे। बाद में 1939 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मोतीचंद को फांसी दी गई, विष्णु दत्त को आजीवन कारावास, और अर्जुन लाल सेठी जो कि इस समूह में वहां पर निमाज में साथ में नहीं गए थे लेकिन योजना जो है इनके द्वारा बनाई गई थी, इसलिए अंग्रेजों के द्वारा इनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका क्योंकि इनके ऊपर कोई सबूत नहीं मिल पाया। फिर भी अंग्रेजी शासन था इस वजह से इनको 6 साल की सजा दी गई, 6 साल की इनको सजा दी गई और मद्रास के वेलूर जेल में भेज दिया गया। कहां पर भेजा गया? मद्रास के वेलूर जेल में। वेलूर नामक स्थान है तमिलनाडु राज्य में वहां पर। तो सवाल पूछा जा सकता है कि वेलूर जेल में किस क्रांतिकारी को सजा दी गई, वेलूर जेल में किस क्रांतिकारी को भेजा गया था? तो हम क्या बताएंगे? अर्जुन लाल सेठी को। क्यों भेजा गया था? तो आरा या निमाज हत्याकांड के संबंध में, आरा या निमाज हत्याकांड के संबंध में वेलूर जेल में किसको भेजा गया था दोस्तों? अर्जुन लाल सेठी को। कब भेजा गया था? 1914 ईस्वी में। 1914 में जेल हुई और 6 वर्ष की जेल हुई इनको। और 1920 ईस्वी में ये इनका जो कारावास है समाप्त हो गया था और पुनः जो ये अपने कर्मस्थली या जो इनकी कार्यस्थली थी राजस्थान वहाँ पहुँच गए।
तो 1920 में जब ये जेल से छूटे, तो जब ये वापस पुनः राजस्थान में आ रहे थे, तो ये बीच में दो जगह रुके, एक महाराष्ट्र में जहाँ पर तिलक ने इनका स्वागत किया था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और उसके बाद दूसरा जो इनका स्टॉप था वह था गुजरात में बारदोली नामक स्थान पर, जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनकी वहाँ पर बहुत भव्य तरीके से स्वागत किया। तो देख लेते हैं इनके बारे में। तो मद्रास की वेलूर जेल में अर्जुन लाल सेठी को रखा गया, 6 वर्ष की जेल हुई। 1914 में निमाजी आरा हत्याकांड के संबंध में भेजा गया था। तो वेलूर नामक स्थान से, ये क्या है वेलूर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वेलूर नामक स्थान पर जेल हुई। जब वेलूर में से 1920 में इन्हें सजा पूर्ण हुई, तो ये पहले कहाँ पहुंचे, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में इनका भव्य स्वागत किनके द्वारा किया गया था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, या शॉर्ट में हम इनको तिलक भी कह सकते हैं। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे, इनके द्वारा अर्जुन लाल सेठी का स्वागत किया गया महाराष्ट्र में। इसके बाद जब यहाँ से चले आगे, तो गुजरात में इनका भव्य तरीके से स्वागत किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार का नाम आपने सभी ने सुना होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके द्वारा भी इनका अर्जुन लाल सेठी का स्वागत किया गया, क्योंकि इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ की थी राजस्थान में, इसलिए इन दोनों जगहों पर स्वागत किया। और अंततः तो ये कहां पहुंच गए, राजस्थान में, अजमेर में, राजस्थान अजमेर ये पहुंच गए। अब चूंकि इनको जेल की सजा हुई थी, इस वजह से अंग्रेजों की पैनी नजर या कड़ी नजर इनके ऊपर रहने के कारण, और वर्धमान विद्यालय में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वह लगभग बंद सी हो गई थी, और इन्होंने अपना जो कार्य स्थान है वो जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया। कहां पर दोस्तों, अजमेर से। और अपने जीवन के अंतिम समय में ये अजमेर में ही रहे थे। जब ये अजमेर में रह रहे थे, तब उस समय एक भारत के इतिहास में एक घटना घटित हुई, जिसका नाम था काकोरी कांड। क्या नाम था दोस्तों, काकोरी कांड। जब हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो काकोरी कांड के बारे में हम डिटेल से बताऊंगा, यहां पर हम इसका जिक्र कर रहे हैं, क्यों देखते हैं अभी। काकोरी कांड, काकोरी नामक स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन HSRA नामक संस्था के जो सदस्य थे, उनके द्वारा काकोरी नामक स्थान पर एक ट्रेन को लूटा गया था। ट्रेन को क्यों लूटा गया, ताकि वहां पर क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई जा सके। और इस काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को लूटा गया, जिसमें एक व्यक्ति था अशफाक उल्ला खान। ये जो अशफाक उल्ला खान है, काकोरी कांड षड्यंत्र से संबंधित था, और ये भागकर कहां आ गया, राजस्थान में अजमेर में। और वहां पर कौन बैठे थे दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी। तो अर्जुन लाल सेठी ने 1925 ईस्वी में अशफाक उल्ला खान को अजमेर में छिपा दिया। इस वजह से अशफाक उल्ला खान को फांसी की सजा नहीं हो सकी। जो अन्य साथी थे इनके इस काकोरी कांड षड्यंत्र में, जिनका नाम राजेंद्र लाहिड़ी और राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल, ये दो लोग शामिल थे, इनको फांसी की सजा दे दी गई, लेकिन ये भागकर राजस्थान में आकर छिप गए थे। तो इस वजह से ये काकोरी कांड के बारे में मैंने आपको बताया कि जो अशफाक उल्ला खान है उनको किसने छिपाया था राजस्थान में, अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। अब चूंकि अजमेर में रहने लगे थे, और अजमेर में रहते रहते इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया, तो राजस्थान के इतिहास में एकमात्र ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए अर्जुन लाल सेठी, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता लाने का प्रयास किया। हिंदू मुस्लिम एकता लाने का प्रयास किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा किया गया था, तो अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। पूछा जा सकता है हिंदू मुस्लिम एकता लाने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था, अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। और इसके बाद अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वहीं पर ये रहने लगे थे, और वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको अरबी और फारसी का पाठ पढ़ाते थे। बच्चों को अरबी एवं फारसी का पाठ पढ़ाते थे, कहाँ पर, अजमेर में। और अंततः इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में 23 दिसंबर 1941 ईस्वी को अर्जुन लाल सेठी जी की मृत्यु हो गई, कहाँ पर, अजमेर में। और इनको
मुसलमान समझकर वहां के जो दरगाह में बैठे थे लोग उन्होंने वहीं पर दफना दिया गया। इस प्रकार अर्जुन लाल सेठी जो कि राजस्थान में जन जागृति के अग्रदूत माने जाते हैं उनके बारे में हमने सारी जानकारी ली। अब हम बात करते हैं अगले स्वतंत्र सेनानी के बारे में, भारत परिवार जो कि शाहपुरा भीलवाड़ से संबंधित था। तो चलिए बात करते हैं राजस्थान के एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की जिसने अपने पूरे परिवार को स्वतंत्रता की ज्वाला में झोंक दिया था। उनका नाम था केसरी सिंह बारट। ये जो केसरी सिंह बारट, ये बारट जो है इनको चारण भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है अपने चारण और बारट में। तो केसरी सिंह बारट राजस्थान के एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने पूरे परिवार को ज्वाला में झोंक दिया था। तो इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? इनका जन्म 21 नवंबर 1872 ईस्वी को, 21 नवंबर 1872 ईस्वी को देवपुरा गांव में हुआ था। यह देवपुरा गांव शाहपुरा जो ठिकाना है, शाहपुरा रियासत के जो कि वर्तमान में कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। कहाँ स्थित है दोस्तों? भीलवाड़ा में। तो केसर सिंह बारट का जन्म 21 नवंबर 1872 ईस्वी को देवपुरा गांव में जो कि शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। तो ये शाहपुरा जो है राजस्थान के इतिहास में अत्यधिक प्रसिद्ध है क्योंकि केसर सिंह बारट ने अपने पूरे परिवार जिनमें इनके भाई जिनका नाम था जोरावर सिंह बारट और इनके पुत्र जोरावर सिंह बारट जो कि केसर सिंह बारट के भाई थे और केसर सिंह बारट के पुत्र जिनका नाम था प्रताप सिंह बारट इन दोनों का हमने अभी थोड़ी देर पहले ही जब अर्जुन लाल सेठी का के बारे में देखा था तो उस समय जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट दोनों ही जयपुर के वर्धमान विद्यालय से प्रशिक्षित थे और जोरावर सिंह बारट ने वहीं से बम बनाने की कला सीखी थी और आगे चलकर इन्होंने 1912 में जो लॉर्ड हार्डिंग बम कांड हुआ था वहाँ पर जाकर इन्होंने अपना जो साहस है जो उसको दिखाया था। तो जोरावर सिंह बारट केसर सिंह बारट के छोटे भाई थे और प्रताप सिंह बारट केसर सिंह बारट के पुत्र थे। इस प्रकार पूरा ही पूरा परिवार जो है स्वतंत्रता संग्राम में शामिल था। अब हम केसर सिंह बारट की पहले अच्छे से बात करते हैं, इसके बाद इन दोनों के ऊपर भी आने वाले हैं। तो केसर सिंह बारट का जन्म 21 नवंबर 1872 ईस्वी को देवपुरा शाहपुरा भीलवाड़ा में था। तो केसर सिंह बारट के दो पहलू थे। पहला पहलू क्या था? वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे या क्रांतिकारी थे, जबकि दूसरा पहलू था साहित्य, अर्थात ये साहित्यकार थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे, रचनाकार थे। इनके द्वारा कई रचनाएं की गई है जिनमें चेतावनी रथ चौंगटिया जो कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को 1903 में इनके द्वारा सुनाई गई एक 13 शॉर्टों की कविता थी। तो सबसे पहले हम इनके जो क्रांतिकारी जीवन है उनकी बात करते हैं। ये क्रांतिकारी किस प्रकार से थे? तो क्रांतिकारी इस प्रकार से थे, केसर सिंह बारट ने कोटा तथा जोधपुर में, कहां पर दोस्तों? कोटा तथा जोधपुर में छात्रावास की स्थापना की। किसकी? छात्रावास की। तो छात्रावास को चलाने के लिए इनको धन की आवश्यकता हुई, तो धन की आवश्यकता होने के कारण इन्होंने जोधपुर में एक महंत था, साधु था, जो कि धनी साधु था, उसका नाम था महंत प्यारे लाल। क्या नाम था दोस्तों? महंत प्यारे लाल। तो इस महंत प्यारे लाल जो कि जोधपुर का रहने वाला था, इसको बोला कि चलो भाई बद्रीनाथ चल के घूम के आते हैं। तो ये साधु जी जो है केसर सिंह बारट के साथ रवाना हो गए, लेकिन इनको बद्रीनाथ के स्थान पर ये कहाँ ले गए? कोटा में। कहाँ ले गए दोस्तों? कोटा में। तो कोटा में ले जाकर इनको वहां पे लूटा गया, इनके पास जो भी धन था उसको लूट लिया गया। इसी छीना झपटी में महंत प्यारे लाल की मृत्यु हो गई। तो इतिहास में ये जो कांड है ये क्या कहलाए? महंत प्यारे लाल हत्याकांड। तो अब एग्जाम में पूछेंगे कि महंत प्यारे लाल हत्याकांड से संबंधित कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? तो नाम है केसर सिंह बारट। अभी अकेले तो थे नहीं, इनके साथ इनकी पूरी टीम थी। तो टीम मेंबर कौन कौन थे? पहला नाम आता है रामकरण। दूसरा नाम आता है सोमदत्त लहरी। एक और नाम आता है, वह है हीरा लाल लाहौटी। क्या नाम था दोस्तों? हीरा लाल लाहौटी। तो इन चार लोगों ने मिलकर महंत प्यारे लाल जो कि कहां के थे? जोधपुर के, एक धनी व्यक्ति थे जोधपुर के, इनको बद्रीनाथ का बोलकर कोटा ले गए और वहां जाके इनकी हत्या कर दी। तो इतिहास में यह घटना है जो महंत प्यारे लाल हत्याकांड कहलाई। आरएस में इसके ऊपर सवाल पूछा गया था 2 अगस्त 2018 में कि महंत प्यारे लाल हत्याकांड से संबंधित कौन कौन सदस्य हैं, तो उनके नाम दिए गए थे और हमें बताना था कि कौन कौन सदस्य हैं।
ठीक है, तो रामकरण, सोमदत्त लहरी, हीरालाल लाहोटी और केसरी सिंह भारत, ये योजना करता ये थे। केसरी सिंह भारत, इनका संबंध है महंत प्यारेलाल हत्याकांड से। तो इनकी क्रांतिकारी गतिविधियां क्या थी? कोटा में और जोधपुर में इन्होंने छात्रावास की स्थापना की और वहां पे धन की आवश्यकता हुई तो महंत प्यारेलाल को मार दिया गया, उनसे धन लूट लिया गया। इस प्रकार केसरी सिंह भारत की क्रांतिकारी गतिविधियां थी। अब हम बात करते हैं इनकी जो साहित्यिक गतिविधियां हैं, यानी साहित्य के क्षेत्र में केसरी सिंह भारत का क्या योगदान रहा है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में केसरी सिंह भारत का योगदान, साहित्य के क्षेत्र में इनका सबसे बड़ा योगदान है, यह घटना है 1903 ईस्वी की। कब की है दोस्तों? 1903 ईस्वी, जब दिल्ली में इंग्लैंड के राजा जिनका नाम था एडवर्ड सप्तम का दिल्ली में दरबार आयोजित किया जा रहा था और दिल्ली के तत्कालीन गवर्नर जनरल जिनका नाम था जी गवर्नर जनरल कौन थे दिल्ली के या भारत के गवर्नर जनरल, उनका नाम था लॉर्ड कर्जन, जो अपनी प्रतिक्रियावादी नीतियों के लिए जाना जाता है लॉर्ड कर्जन उस समय गवर्नर जनरल थे भारत के, और एडवर्ड सप्तम जो इंग्लैंड से आए थे, तो इनके लिए दिल्ली में एक दरबार आयोजित किया गया। इस दरबार में लॉर्ड कर्जन ने जो राजपुताने की रियासतें थी तथा शेष भारत में जो ब्रिटिश प्रांत थे उन सभी को इनवाइट किया, न्योता दिया कि आप लोग इस दरबार में पधारें। तो इसी समय मेवाड़ के जो महाराणा है जिनका नाम था फतेह सिंह, क्या नाम था दोस्तों? फतेह सिंह। इन फतेह सिंह के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, जो बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसी समय भी ये फतेह सिंह भी थे। कई घटनाओं के साथ फतेह सिंह का नाम जुड़ा हुआ है। तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को जब लॉर्ड कर्जन ने न्योता भेजा तो फतेह सिंह रवाना हो गए, क्योंकि अंग्रेजों ने न्योता भेजा था और अंग्रेज और जो राज महाराजे थे वो तो उनकी मित्रता थी। तब केसरी सिंह भारत के द्वारा जब ये दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे तो राव गोपाल सिंह खरवा, खरवा कहाँ स्थित थे दोस्तों? अजमेर में स्थित थे। कहाँ है? अजमेर। अजमेर में खरवा नामक एक छोटी रियासत थी, राव गोपाल सिंह खरवा वहां के शासक थे। तो इन राव गोपाल सिंह खरवा के हाथों एक 13 सॉर्टों की कविता, कितने सॉर्टे थे? 13 सॉर्टे। सॉर्टे जो है राजस्थानी भाषा साहित्य में डिंगल भाषा में लिखे जाते हैं। तो किस भाषा में थे ये? डिंगल भाषा, जो कि राजस्थान की साहित्यिक भाषा है और अधिकांश चारण जाति के जो कवि हैं उनके द्वारा गाई जाती है। राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, बीकानेर, जैसलमेर और इनके आसपास का क्षेत्र जो मारवाड़ एरिया है वहां पर, तो 13 सॉर्टों की एक कविता भेजी गई मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास, किसके हाथों? गोपाल सिंह, राव गोपाल सिंह खरवा। और खरवा कहाँ पड़ता है? अजमेर में। कहाँ है खरवा दोस्तों? अजमेर में। तो इनके हाथों ये कविता इनके पास भेजी गई और इसमें मेवाड़ का जो प्राचीन इतिहास है, जिनमें मेवाड़ के महाराणा प्रताप, मेवाड़ के महाराणा सांगा जिनको हिंदुआ सूरज कहा जाता है, तो उनको ऐसे ऐसे वक्तव्य सुनाए गए इन सोर्टों के माध्यम से कि जो ये मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह है उन्होंने दरबार जो आयोजित किया गया 1903 में एडवर्ड सप्तम के लिए वहां जाने से मना कर दिया। दिल्ली में पहुंचकर भी उन्होंने कुछ बहाने बनाए कि मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं इस दरबार में नहीं आ सकता। तो इस प्रकार साहित्य के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा योगदान है केसरी सिंह भारत का। कुछ अन्य इनकी रचनाएं थी उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो ये बात बहुत ही क्लियर है, 1903 ईस्वी में दिल्ली में एडवर्ड सप्तम का एक दरबार आयोजित किया जा रहा था, लॉर्ड कर्जन जो कि गवर्नर जनरल था, तो उस समय मेवाड़ के महाराणा को रोकने का किसने काम किया था? केसरी सिंह भारत ने। और उनके पास जो ये 13 सॉर्टे पहुंचाए थे वो राव गोपाल सिंह खरवा जो कि अजमेर के थे। अब हम आगे बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में इनका और क्या योगदान रहा है। तो केसरी सिंह भारत के द्वारा न केवल 13 सॉर्टों के माध्यम से मेवाड़ के महाराणा को रोका गया बल्कि अन्य इनके द्वारा रचनाएं की गई थी जिनमें बुद्ध चरित जो कि अश्व घोष की रचना थी, किसकी? अश्व घोष के द्वारा बुद्ध चरित नामक एक किताब लिखी गई थी। इस बुद्ध चरित का हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया था?
केसरी सिंह बारट के द्वारा। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि बुद्ध चरित का हिंदी में अनुवाद किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया था, तो उसका नाम है केसरी सिंह बारट। दूसरी बात, कवि राजा श्यामल दास की जीवनी, कवि राजा श्यामल दास की जीवनी इनके द्वारा लिखी गई थी, केसरी सिंह बारट के द्वारा। कवि राजा श्यामल दास कौन थे? वीर विनोद के रचयिता। कवि राजा श्यामल दास जिन्होंने वीर विनोद की रचना की थी जिसमें बूंदी के इतिहास का वर्णन किया गया, इनके ऊपर जीवनी लिखने का काम किसने किया था? केसरी सिंह बारट ने। फिर एक और बात करते हैं हम, इनके द्वारा साहित्य के क्षेत्र में अन्य कई रचनाएं की गई जिनमें दुर्गादास चरित्र, इसके अलावा एक और रचना थी इनकी प्रताप चरित्र, मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप है उनके ऊपर ये प्रताप चरित्र इनके द्वारा लिखी गई थी। एक और बात इनके द्वारा लिखी गई थी जिसका नाम था राज सिंह चरित्र। ये सभी जो कविताएं हैं, जो कहानियां हैं, साहित्य के क्षेत्र में केसरी सिंह बारट का बहुत बड़ा योगदान है। अब हम केसरी सिंह बारट के परिवार में जो सदस्य थे, इनके भाई जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट के बारे में अध्ययन करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं देवपुरा शाहपुरा भीलवाड़ा के रहने वाले जोरावर सिंह बारट, जो कि केसरी सिंह बारट के छोटे भाई थे। तो चलिए शुरू करते हैं जोरावर सिंह बारट का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? उदयपुर में। जोरावर सिंह बारट का जन्म उदयपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। कहाँ पर? उदयपुर में। जोरावर सिंह बारट का जब भी जिक्र होता है तब इनसे संबंधित दो घटनाओं का हमेशा जिक्र होता है। पहली घटना जो है वह है लॉर्ड हार्डिंग बम कांड। यह घटना 23 दिसंबर 1912 को घटित हुई थी दिल्ली के चांदनी चौक में। 23 दिसंबर 1912 को कहां पर घटित हुई थी? दिल्ली में। तो इसी को दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। और दूसरी जो घटना है वह है आरा या निमाज हत्याकांड। और यह घटना कब घटित हुई थी दोस्तों? आरा या निमाज हत्याकांड यह हुई थी 20 मार्च 1913 ईस्वी को। तो जब भी हम जोरावर सिंह बारट की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा जिक्र में आएगा कि केसरी सिंह बारट जो है उनके छोटे भाई जोरावर सिंह बारट, इनका जन्म उदयपुर में हुआ था लेकिन इनका पैतृक गांव जो है देवपुरा गांव कहां पर स्थित है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। इनका जन्म उदयपुर में 1883 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ हुई थी? जोधपुर में। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी इनकी? जोधपुर में हुई थी जोरावर सिंह बारट की। और बाद में जब ये बड़े हुए तब ये जयपुर के वर्धमान विद्यालय जो कि अर्जुन लाल सेठी द्वारा स्थापित किया गया था वहीं पर इन्होंने प्रशिक्षण लिया था। क्रांतिकारी गतिविधियां चलाने के लिए जो प्रशिक्षण जोरावर सिंह बारट के द्वारा लिया गया था वह कहाँ लिया गया था दोस्तों? वर्धमान विद्यालय जयपुर जिसकी स्थापना 1907-08 में किसके द्वारा की गई थी बताओ? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा वर्धमान विद्यालय जो कि 1907-08 में स्थापित किया गया था। इसी विद्यालय से जोरावर सिंह बारट ने प्रशिक्षण लिया और बम बनाना सीखा। तो सवाल एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जोरावर सिंह बारट ने बम बनाना कहाँ से सीखा था? तो वर्धमान विद्यालय जयपुर से बम बनाना सीखा था, वर्धमान विद्यालय जयपुर से। ठीक है, तो तीन बातें क्लियर हो गई। लॉर्ड हार्डिंग बम कांड 23 दिसंबर 1912 का संबंध जोरावर सिंह बारट, और दूसरा आरा या निमाज हत्याकांड 20 मार्च 1913 को घटित हुआ था इससे भी जोरावर सिंह बारट का संबंध है। तो ये जो दिल्ली षड्यंत्र और बनारस षड्यंत्र ये दोनों का संबंध जोरावर सिंह बारट से। अब इनको हम वन बाई वन करके इन घटनाओं को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग बम कांड जो कि 23 दिसंबर 1913 को घटित हुआ। जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई तो इस दौरान भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग वो हाथी पे सवार होकर वहां पर एक जुलूस निकाला जा रहा था। इस जुलूस में एक योजना बनाई गई, इस जुलूस के दौरान एक योजना निकाली योजना बनाई गई किसके द्वारा बनाई गई थी ये योजना? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा वर्धमान विद्यालय के संस्थापक, इनके द्वारा एक रूपरेखा या योजना तैयार की गई। इस योजना के तहत
जो लॉर्ड हार्डिंग भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, इनके ऊपर बम गिराना था। तो इस योजना में जो सम्मिलित सबसे प्रमुख नाम है अर्जुनलाल सेठी, उसके बाद जोरावर सिंह भारत और प्रताप सिंह भारत, ये भी इस घटना में सम्मिलित थे। इसके अलावा रास बिहारी बोस, सचेंद्र नाथ सान्याल, बसंत कुमार विश्वास, मास्टर अवध बिहारी और भाई बाल मुकुंद, इन सबका संबंध किससे है? जो लॉर्ड हार्डिंग बम कांड। तो दिल्ली के चांदनी चौक में एक जुलूस निकाला जा रहा था, इस जुलूस पर जोरावर सिंह भारत और प्रताप सिंह भारत चाचा और भतीजा ने बम फेंक दिया, लेकिन गलती से बम जो है पड़ोस जो पास में क्षेत्र रख सकते उनके पास लग गया, इसलिए लॉर्ड हार्डिंग इस बम घटना के दौरान बच गया। इससे पूरे अंग्रेज शासन जो है इनको हिला के रख दिया था कि गवर्नर जनरल के ऊपर बम फेंकने की घटना जो है पहली बार घटित हुई थी। इस प्रकार अंग्रेज काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। इस वजह से इस हत्याकांड में जो भी लोग शामिल थे, जो लॉर्ड हार्डिंग बम कांड है इसमें जो लोग शामिल थे उनमें पहला नाम आता है जोरावर सिंह का, जो कि उदयपुर के रहने वाले थे। दूसरा नाम आता है प्रताप सिंह भारत, जो कि जोरावर सिंह के भतीजे थे। तो इन चाचा और भतीजा की जोड़ी जो इतिहास में बहुत अधिक फेमस है। तीसरा नाम आता है भाई बाल मुकुंद, ये जोधपुर रियासत के थे और ये भी इस हत्याकांड से या जो ये घटना है लॉर्ड हार्डिंग बम कांड इससे संबंधित थे। राजस्थान का एक और व्यक्ति इसमें सम्मिलित था जिसका नाम है अर्जुन लाल सेठी। तो ये चारों लोग जो है इससे संबंधित थे जो कि राजस्थान के थे। इसके अलावा अन्य लोग भी शामिल थे, जैसे बसंत कुमार विश्वास जो कि बंगाल के थे, मास्टर अवध बिहारी उत्तर प्रदेश के, लेकिन यहाँ हम केवल राजस्थान के लोगों का ही जिक्र करेंगे। भाई बाल मुकुंद जो है इनको फांसी की सजा दी गई और जो प्रताप सिंह है इनको बरेली जेल में भेज दिया गया, जबकि जोरावर सिंह इन सब घटनाओं से बचते हुए मध्य प्रदेश के जंगलों में जाकर छिप गए। तो एक घटना हमने कवर कर ली। अब हम बात करते हैं नीमच आरा हत्याकांड के बारे में। नीमच हत्याकांड दूसरी घटना जिनका संबंध जोरावर सिंह के है, क्या है आरा या नीमच, आरा या नीमच हत्याकांड। यह घटना कब घटित हुई थी? 20 मार्च 1913 ईस्वी को चार लोगों के दल या चार लोगों का एक समूह आरा नीमच जो कि बिहार में है वहाँ पर भेजा गया और एक महंत धनी साधु जिसका नाम था भगवान दास, उस भगवान दास के पास अर्जुनलाल सेठी के द्वारा चार लोगों का एक समूह भेजा गया जिसमें ये जोरावर सिंह भारत भी सम्मिलित थे। अन्य नाम मैंने आपको बताए थे विष्णुदत्त, जोरावर सिंह भारत और क्या नाम था विष्णुदत्त, दूसरा नाम है मोतीचंद और तीसरा सदस्य था जोरावर सिंह। तो इस प्रकार ये जो चार लोग थे और चौथे अर्जुन लाल सेठी, ये चार लोग इसमें सम्मिलित थे और जोरावर सिंह भारत भी इससे सम्मिलित थे, लेकिन ये छुपकर कहाँ चले गए थे मध्य प्रदेश के जंगलों में जाकर छुप गए और भूमिगत हो गए और वहाँ पर एक साधु का वेश इन्होंने धारण कर लिया और खुद का नाम जोरावर सिंह से बदल कर क्या रख लिया था, बाबा बैरागी के नाम से वहाँ पर रहने लगे और इनकी 1939 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तो जोरावर सिंह का संबंध किससे है? दिल्ली षड्यंत्र से और आरा या नीमच हत्याकांड से। अब हम बात करते हैं प्रताप सिंह भारत की। जोरावर सिंह भारत के भतीजे और केसरी सिंह भारत के पुत्र प्रताप सिंह भारत। प्रताप सिंह भारत का जन्म कहाँ हुआ था? देवपुरा गाँव में। किसकी बात करते हैं हम? प्रताप सिंह भारत। इनका जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था, 24 मई 1893 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। कहाँ पर? देवपुरा गांव, जो कि कहाँ स्थित है? शाहपुरा में, और शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। तो प्रताप सिंह भारत का जन्म 24 मई 1893 को देवपुरा गांव शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था। इनको क्या कहा जाता है? जो प्रताप सिंह भारत है इनका संबंध भी लॉर्ड हार्डिंग बम कांड से था। किससे था? लॉर्ड हार्डिंग बम कांड।
चाचा जोरावर सिंह के साथ ये सम्मिलित थे और इनके द्वारा बम फेंका गया था, इसलिए इनको इसके तहत दिल्ली षड्यंत्र के तहत 5 वर्ष की सजा सुनाई गई। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की। 5 वर्ष की सजा दी गई दिल्ली और बनारस षड्यंत्र के तहत, और बरेली जेल में इनको रखा गया। बरेली जो कि उत्तर प्रदेश में, बरेली की बर्फी वाली वही बरेली है, बरेली कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो प्रताप सिंह बारड़ को किस जेल में रखा गया था? बरेली जेल में रखा गया था। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। और वहाँ पर बरेली के जेलर जिसका नाम था चार्ल्स क्विलैंड, क्या नाम था? चार्ल्स क्विलैंड, जो कि वहाँ पे अंग्रेज अधिकारी जेलर था चार्ल्स क्विलैंड। इस जेलर ने प्रताप सिंह को बहुत अधिक यातनाएं दी और इनसे पूछा कि जो लॉर्ड हार्डिंग बम कांड है उसमें कौन कौन लोग शामिल थे। तो कई बार पूछे जाने पर भी इन्होंने जवाब नहीं दिया, तो इनको घोर यातनाएं दी गई और उन्हीं यातनाओं के दौरान प्रताप सिंह बारड़ की बरेली जेल में ही मृत्यु हो गई और वे इतिहास में अमर शहीद कहलाए। प्रताप सिंह बारड़ को राजस्थान का चंद्रशेखर भी कहा जाता है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान का चंद्रशेखर किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है? तो प्रताप सिंह बारड़ को राजस्थान का चंद्रशेखर किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है? प्रताप सिंह बारड़ को। और 24 मई 1918 ईस्वी को इनकी बरेली जेल में ही शहीद हो गए थे ये। जब चार्ल्स क्विलैंड ने प्रताप सिंह बारड़ से कहा कि तुम्हारी माँ रोती है, तब इनका ये जवाब था कि मेरी माँ को चुप कराने के लिए मैं इस भारत देश की सभी माताओं को नहीं रुला सकता। मतलब ये इतने शहीद क्रांतिकारी थे, महान क्रांतिकारी थे, जो कि खुद मरकर भी दूसरे लोगों को इन्होंने बचाया और अंततः 24 मई 1918 को ये अमर शहीद हुए।